पंजाब पुलिस दे अधिकारित बुलारे ने डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम नू क्लीन चिट देने संबंधी सारे दोषों नू कोरा झूठ अते बेबुनियाद कह के पूरी तरह रद्द कर दिता है। यह बयान उस वेले जारी किया गया जदों इकबाल प्रीत सिंह सहोता जिन्हां नू डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब दा वादू कार्यभार सौंपया गया वलों 2015 बरगाड़ी बेअदबी मामलों की जांच के SIT की अगवाई करदिया गुरमीत राम रहीम नू क्लीन चिट देने दी मीडिया रिपोर्टां सामने आईयां ने। सो जिक्र योग है कि 12 अक्टूबर 2015 नूं पिंड बरगाड़ी दे विच पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग खिलरे हुए पाए गए सन ते पुलिस स्टेशन बाजाखाना विखे IPC दी धारा 295-120B दे तहत FIR नंबर 128 मिति 12-10-2015 दर्ज की गई सी। सो पिंड बरगाड़ी दे विखे पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी मामले की जांच के लिए इकबालप्रीत सिंह सहोता जो उस वेले डायरैक्टर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सन उन्होंने अगवाई दे विच एक SIT का गठन किया गया सी। बुलारे ने स्पष्ट किया है कि SIT ने सिर्फ 20 दिनों दे विच काम किया सी जिस तों बाद केस केंद्रीय जांच ब्यूरो नूं सौंप दिता गया सी। सो बुलारे ने यह भी दस्सिया है कि पूरी जांच CBI वालों की गई सी ना कि इकबालप्रीत सहोता की अगवाई वाली SIT वालों की गई। उन्होंने यह भी कहा है कि गुरमीत राम रहीम या किसी होर व्यक्ति को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है।